बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया जाता है, वहीं हकीकत बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीतामढ़ी से नेशन न्यूज संवाददाता आदित्य आनंद की एक स्पेशल रिपोर्ट। किताब की जगह बंदूक की बातें करते ये बच्चे किसी तालिबानी स्कूल के नहीं बल्कि बिहार के एक स्कूल के छात्र हैं। तस्वीरें सीतामढ़ी के डुमरी कला की, जहां शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। लेकिन यहां ये बच्चों के मुंह से जो नारे निकल रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद कतई इन बच्चों को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कोरा कागज होते हैं जिन पर शिक्षकों को सुनहरा भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल जब इस मामले में प्रखंड के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात करते जरूर सुने गए। बीओ साहब थे नहीं थे या बीओ साहब भी सामने थे तो बीओ साहब के बारे में लिख दीजिए कि उनके सामने में ये नारा लगा नहीं, तब वो सब बात तो तुम बताइए कौन कौन शिक्षक उस जुलूस के देख रेख में था, उसका नाम और इतिहास हमको दीजिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं और ये होना लाजमी भी है। कहीं स्कूल नहीं तो कहीं भवन नहीं, कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं सरकारी सुविधाएं नहीं, ये सब बिहार में अब आम हो गया है। ऐसे में इन नौनिहालों की शिक्षा का स्तर क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरत है इस मामले में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की, ताकि फिर कोई भी बच्चों के साथ देश के भविष्य से खिलवाड़ न कर सके। नेशन न्यूज के लिए सीतामढ़ी से आदित्य आनंद की रिपोर्ट। वीडियो बंदूक चलाएंगे।